हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप सभी को दास ऑनलाइन टीचिंग वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज ये वीडियो के थ्रू मैं आपको अनकाउंटेबल नंबरलेस सिंपल सेंटेंसेस सिखाऊंगा, और वो भी आप हैरान हो जाओगे कि वास्तविक एक स्ट्रक्चर के थ्रू इतना सेंटेंस बोला जा सकता है और इतना सेंटेंस लिखा जा सकता है। और ये जो स्ट्रक्चर हैं बहुत सिंपल भी हैं और बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। और आप सर इंग्लिश सीखने के लिए आपके बचपन से पता नहीं कितने बड़े बड़े ग्रामर टॉपिक आप सीख रही हो, इसको ट्यूशन के थ्रू, स्कूल के थ्रू प्रैक्टिस कर रही हो, रट रही हो, ताकि आपको ग्रामर में अच्छा हो जाए, लेकिन फिर भी ये आपको डिफिकल्ट लगता है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बींग भर के ऊपर आधारित है, और अगर आप इसको अच्छे ढंग से समझ जाओगे, अंडरस्टैंड कर जाओगे, ये मेरा दावा है, आप हजारों सेंटेंस बोलने लायक बन जाओगे, लिखने लायक बन जाओगे। दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करके हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग बीइंग वर्ब्स। बीइंग मीन्स हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी स्थिति, हमारी अस्तित्व क्या है, एक वस्तु क्या है, एक आदमी कौन है, क्या है, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। फैमिली मेंबर्स ऑफ बीइंग वर्ब्स आर इज, एम, आर, वाज, वर, बींग एंड बीन। इज, एम, आर यूज इन प्रेजेंट टाइम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है हैं, हूं, हैं, और वाज आर पास्ट टाइम में यूज होते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होते हैं था, थी, थे। और दोस्तों, ये बींग और बीन, ये दो वर्ड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये स्ट्रक्चर को अच्छे ढंग से आपको समझाने के लिए मैं कुछ छोटे छोटे ग्रामेटिकल टॉपिक की हेल्प लूँगा, जो आपके लिए बहुत आसान है, आप इसको जानते हो। देखिए, ये ग्रामर टॉपिक को, पर्सन, पुरुष, आपको पता है पर्सन तीन प्रकार होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, मैं, वी, हम। वी स्टैंड फॉर प्लुरालिटी, आई स्टैंड फॉर सिंगुलरिटी। यू मीन्स तुम और आप, स्टैंड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूराल। ही, शी, इट, एनी नेम, दे, ये सभी को हम कहते हैं थर्ड पर्सन। ही, शी, इट, एनी नेम, दे स्टैंड फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड दे स्टैंड फॉर थर्ड पर्सन प्लूराल। अगेन, नंबर दो प्रकार होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूराल नंबर। सिंगुलर मीन्स एक, प्लूराल मीन्स एक से ज़्यादा। इसके बाद बेटा और एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं एक सेंटेंस का। देखिए, जिसका मतलब होता है एक सेंटेंस को पूरा करना, और इसका भी हिंदी मीनिंग होता है पूरक। और एक सेंटेंस में इट स्टैंड्स फॉर बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, स्टैंड्स फॉर बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये जो सेंटेंस में अभी आपको एग्जाम्पल दूंगा, इधर सारे कॉम्प्लीमेंट के इस्तेमाल है। और इस सेंटेंस की जो लास्ट वर्ड आएगा, ये सेंटेंस की कॉम्प्लीमेंट बनेगा। दोस्तों, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। दिस इज ए डॉग, ये सेंटेंस के अंदर डॉग इज कॉम्प्लीमेंट। आई एम ए टीचर, इधर टीचर कॉम्प्लीमेंट है। यू आर ए स्टूडेंट, इधर स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट है। ही इज ए फार्मर, इधर फार्मर कॉम्प्लीमेंट है। दे आर सिंगर्स, इधर सिंगर्स कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अब देखिए, दिस एंड ए डॉग इन द फर्स्ट सेंटेंसेस दे आर टू वर्ड्स फिजिकली, लेकिन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक है। जो डॉग है वही दिस है, तो दिस डॉग एक है। आई एम ए टीचर, टीचर और आई एक हैं, वो दो नहीं हैं। यू एंड स्टूडेंट एक हैं, यू स्टैंड फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टैंड फॉर यू।
ही इज ए फार्मर, ही और फार्मर वो भी एक हैं. दे आर सिंगर्स, दे आर सिंगर्स, सिंगर स्टैंड्स फॉर प्लूरालिटी, और सिंगर्स और दे वो एक हैं, दो नहीं हैं. जो भी हमने इधर देखा, फार्मर, सिंगर्स, स्टूडेंट्स, टीचर, डॉग, ये सारे कॉम्प्लीमेंट हैं. और आगे ये कॉम्प्लीमेंट की यूज आप देखते रहिए. और इधर ये सेंटेंस फॉर्म करने के लिए मैं कुछ वर्ड्स ले रखा, कुछ वोकैबुलरी ले रखा. अभी आप इसको देखिए, वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, एनिमल किंगडम, पूरा दुनिया में जितने भी एनिमल हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी वेजिटेबल हैं, जितने भी फ्लावर्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, जस्ट आप इमेजिन कीजिए. हम इसको सिंगुलर में भी सेंटेंस बनाएंगे, प्लूरल में भी सेंटेंस बनाएंगे, और अफर्मेटिव में सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव में सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में सेंटेंस बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे. फिर पास्ट अफर्मेटिव में बनाएंगे, नेगेटिव में बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे. एक सेंटेंस से हम 20 सेंटेंस बना सकते हैं. आप आइए देखिए, एनिमल्स, एनिमल किंगडम, डॉग, कैट, काउ, हॉर्स, कैमल, फॉक्स, रैट, कितने एनिमल्स हैं, इसको लेकर हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस. अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए काउ, ये अफर्मेटिव में है. मैं इसको नेगेटिव में कन्वर्ट जब करूंगा, सिर्फ मुझे एक नॉट जोड़ना पड़ेगा. दिस इज नॉट ए काउ, ये के गाय नहीं है. क्या ये के गाय है? इज दिस ए काउ, मैंने जो बर को स्टार्टिंग में लगा दिया. फिर वो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करूंगा. इज दिस नॉट ए काउ, क्या ये के गाय नहीं है. अगेन फिर वही सेंटेंस में पास्ट में मॉडिफाई करूंगा. ये के गाय थी, इट वॉज ए काउ, अफर्मेटिव. ये के गाय नहीं थी, इट वॉज नॉट ए काउ, नेगेटिव. क्या के गाय थी, वॉज इट ए काउ, इंट्रोगेटिव. क्या के गाय नहीं थी, वॉज इट नॉट ए काउ, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव. कितना सेंटेंस इधर बनाया. इन द सिमिलर मैनर, मान लो अलग क्या पर, अलग एनिमल्स के ऊपर आप आ जाओ. दीज आर डॉग्स, दीज आर नॉट डॉग्स, आर दीज डॉग्स, दोज आर कैट्स, दोज आर नॉट कैट्स, आर दोज कैट्स. इसके बाद हम चलेंगे फ्रूट्स के दुनिया में. आप देख लो फ्रूट्स कितना होते हैं, आप कितने फ्रूट्स खरीदते होते हो, खाते हो, आपके बचपन में खा रही हो, जैसे मांगो, मैंगो हैं, एप्पल है, बनाना है, पाइन एप्पल है, जैक फ्रूट हैं, बहुत हैं. इसको सभी को हम यूज़ करके अब सेंटेंस बनाएंगे. फॉर एग्जांपल, दिस इज ए मैंगो, दिस इज नॉट ए मैंगो, दिस ए मैंगो, दोज आर बनानाज, दोज आर नॉट बनानाज, आर दोज बनानाज, दैट वॉज ए पाइन एप्पल, दैट वॉज नॉट ए पाइन एप्पल, वॉज दैट ए पाइन एप्पल, वॉज नॉट दैट ए पाइन एप्पल. ये हो गया फ्रूट्स के ऊपर. फिर हम चलते हैं वेजिटेबल के ऊपर. वेजिटेबल आप देख लो, टमाटो, पोटैटो, ब्रिंजाल, अनियन, कितने फ्रूट्स होते हैं, कितने वेजिटेबल्स होते हैं. और ये वेजिटेबल को भी लेकर हम सेंटेंस बनाएंगे. दैट इज ए ब्रिंजाल, दैट इज नॉट ए ब्रिंजाल, इज दैट ए ब्रिंजाल, दिस इज ए पोटैटो, दिस इज नॉट ए पोटैटो, इज दिस ए पोटैटो, दीज आर पोटैटोज, दीज आर नॉट पोटैटोज, आर दिस पोटैटोज, दोज आर टोमेटोज, दोज आर नॉट टोमेटोज, आर नॉट दोज टोमेटोज. इसके बाद आप इसको पास्ट में भी बना सकते हो. फिर हम चलते बर्ड्स के ऊपर. क्रो, स्पैरो, पिकॉक, नंबर ऑफ बर्ड्स आर देयर. और ये बर्ड्स के जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे, दिस इज ए क्रो, दिस इज नॉट ए क्रो, दिस इज दिस ए क्रो, दैट इज ए स्पैरो, दैट इज नॉट ए स्पैरो, इज दैट ए स्पैरो, दीज आर पिकॉक्स, दीज आर नॉट पिकॉक्स, आर दिस पिकॉक्स. ओके, अब हम चलते हैं अनदर बॉक्स, जो इधर है हमारा रिलेशंस, प्रोफेशंस और एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस मैंने आपको शुरू से समझाया था. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए मैन, आई एम नॉट ए मैन, आम आई ए मैन, आई वॉज ए मैन, आई वॉज नॉट ए मैन, वॉज आई ए मैन. ओके, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, आर दे माई फ्रेंड्स, ही इज माई सन, ही इज नॉट माई सन, इज ही माई सन, इज ही नॉट माई सन, सी इज माई डॉटर, सी इज नॉट माई डॉटर, इज सी माई डॉटर, इज नॉट सी माई डॉटर. ओके, अब हम चलते हैं. आप देख लो प्रोफेशंस, प्रोफेशंस नंबर ऑफ प्रोफेशंस आर देयर. टीचर हैं, डॉक्टर हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, कुक हैं, मैथ टीचर है, इंग्लिश टीचर है, साइंस टीचर है, कितने प्रोफेशन हैं. हम इसको लेके आप सेंटेंस बनाएंगे. फॉर एग्जांपल, ही इज ए टीचर, ही इज नॉट ए टीचर, इज ए टीचर, दे वार टीचर्स, दे वार नॉट टीचर्स, वार द टीचर्स. ओके, He is my father, he is not my father, is he my father. ये हो गया आपके सारे प्रोफेशन के ऊपर. आप देखो प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा हैं.
थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेशन आर देयर। ओके, अगर प्रोफेशन को आप काउंट करोगे आई मीन कितना सेंटेंस आप बना सकते हो। अब हम चलते हैं, अब देखिए हाउस होल्ड आर्टिकल्स और अप्लायंसेस। हाउस होल्ड आर्टिकल्स और अप्लायंसेस, व्हीकल्स, प्लेसेस, ड्रेसेस, ओके इसके ऊपर हम देखेंगे। अब देखिए मान लो व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स कार, बस, साइकिल, ट्रेन, कितना व्हीकल्स हैं और इसी को हम चेंज करेंगे। दिस इज माई साइकिल, दिस इज नॉट माई साइकिल, इज दिस माई साइकिल, इज नॉट दिस माई साइकिल, दैट इज माई बस, दैट इज नॉट माई बस, इज दैट माई बस, इज नॉट दैट माई बस, कितना सेंटेंसेस हो रहा है। इसके बाद हम चलेंगे मान लो किचन के ऊपर, आप झांक के देखिए आपके किचन में कितने चीज़ें हैं, कितने अप्लायंसेस है जो आपके मम्मी जी डेली इसको यूज करने में मदद लेते हैं। जैसे होता है दिस इज ए स्पून, दिस इज नॉट ए स्पून, इज दिस ए स्पून, दैट इज ए फॉर्क, दैट इज नॉट ए फॉर्क, इज दैट ए फॉर्क, ओके दीज आर बाउल्स, दीज आर नॉट बाउल्स, आर दिस बाउल्स, ओके दैट इज ए गैस सिलेंडर, दैट इज नॉट ए गैस सिलेंडर, इज दैट ए ग्लास सिलेंडर, ओके कितना सेंटेंस है। अब हम चलते हैं आपका प्लेसेस, प्लेसेस जो हम जिधर जाते हैं, ओके टेम्पल है, मस्क है, चर्च है, पार्क है, कितना है। इवन आप जगह के नाम भी आप ले सकते हो, जितना दुनिया में जगह है, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, कितना भी है जगह है, इसको हम कर सकते हैं। दिस इज ए सिटी, दिस इज नॉट ए सिटी, इज दिस ए सिटी, दैट इज ए टेम्पल, दैट इज नॉट ए टेम्पल, इज दैट ए टेम्पल, ओके दिस इज ए पार्क, दिस इज नॉट ए पार्क, इज दिस ए पार्क, दिस इज माई होम, दिस इज नॉट माई होम, इज दिस माई होम। अब हम चलते हैं फर्नीचर के ऊपर चलते हैं, दिस इज ए चेयर, दिस इज नॉट ए चेयर, इज दिस ए चेयर, इज दिस नॉट ए चेयर, दैट इज ए बेड, दैट इज नॉट ए बेड, इज दैट ए बेड। अब आ जाओ थिंग्स इन योर बैग, आप जो बैग यूज करते हो, पेन होता है, पेंसिल होता है, स्केल होता है, बुक होता है, नोटबुक होता है, मार्कर होता है, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, कितने कुछ सारे होते हैं, इसको लगा के आप सेंटेंस बना सकते हो। दिस इज माई बुक, दिस इज नॉट माई बुक, इज दिस माई बुक, दैट वॉज माई स्केल, दैट वॉज नॉट माई स्केल, वॉज दैट माई स्केल, ओके इन दिस वे। और रह गया आपका ड्रेसेस, आप जो ड्रेस यूज कर रही हो, ओके ये सारे ड्रेस, दिस इज माई पैंट, दिस इज नॉट माई पैंट, इज दिस माई पैंट, दीज आर माई शर्ट्स, दीज आर नॉट माई शर्ट्स, आर दिस माई शर्ट्स, ओके इन दिस वे यू जस्ट इमेजिन हाउ मेनी सेंटेंसेस कैन यू मेक। तो दोस्तों आपको मैंने सिखा दिया, प्रेजेंट में भी फॉर्म करना सिखा दिया, पास्ट में भी फॉर्म करना सिखा दिया, और अफर्मेटिव सिखाया, नेगेटिव सिखाया, इंट्रोगेटिव सिखाया, पास्ट में भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सिखाया। तो एक बहुत बड़ा दुनिया को मैंने आपको दिखा दिया, सेंटेंस दुनिया हम इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आपके कमेंट में जरूर लिखिए कि ये वीडियो देखने के बाद आप कितना सेंटेंस बनाने के लिए तैयार हो। मुझे पता चलेगा कि हाँ ये मेरा दोस्त इतना सेंटेंस बना सकता है, हमारे बीच में कंपटीशन होना चाहिए। आप जो कमेंट में दोगे कि सर आई एम रेडी टू मेक दिस मच सेंटेंसेस, अलग मेरा दोस्त क्या लिखा है, अलग क्या लिखेगा, हम देख लेंगे कि हम कितना सेंटेंस बनाने के लिए हम तैयार हो गए।